संभागीय आयुक्त केसी वर्मा शुक्रवार को अलवर के दौरे पर रहे और इसी दौरान उन्होंने अलवर सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात की। सरकार की ओर से थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच संभागीय आयुक्त को सौंपी गई। इस जांच के मद्देनजर और लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए संभागीय आयुक्त सर्किट हाउस में रहे और इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात करते हुए शिकायतें सुनी। मीडिया से बातचीत में संभाग के आयुक्त केसी वर्मा का कहना था कि सरकार के निर्देशन पर थानागाजी दुष्कर्म मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही जांच सरकार को सौंपी जाएगी। आदेश अनुसार मुझे थानागाजी जो प्रकरण हुआ है वो जांच अधिकारी ने लगाया है। 11 और 12 मई को मैंने थानागाजी में और अलवर में रहकर के लोगों के बयान दिए हैं, जो भी संबंधित आदमी हैं उन सबके बयान दिए हैं, कुछ से तथ्य जुटाए हैं। उसके बाद में ओपन जन सुनवाई के लिए भाई आम जनता या आम कोई लोग हैं या कोई संस्थाएं हैं कुछ कहना चाहें, ज्ञापन देना चाहें, इसके लिए मैंने कल 16 तारीख को थानागाजी में कैंप रखा था। आज यहाँ अलवर में कैंप, कल से 16 तारीख को थानागाजी में सुबह 10 से 5 तक कोई भी परिवादी या कोई ज्ञापन देने वाला कोई भी नहीं आया। शाम को 5 बजे के आसपास कर्नल बेहसला जी आए थे अपने कुछ लोगों को साथ लेकर के, वो उन्होंने भी इस मामले में कोई ज्ञापन नहीं दिया। आज भी अलवर में मैं आया हूँ, 10 से 5 बजे तक मेरा कैंप है, अभी 11 बजे से ज़्यादा हो गया है, अभी तक भी यहाँ इस मामले में कोई